सबसे पहले नजर 11 बजे की 11 ब्रेकिंग्स पर। पहली ब्रेकिंग, पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी हर स्टॉल पर जाकर उन्होंने कारीगरों से बातचीत की। मेले के माध्यम से देश के आदिवासी समुदायों की कला, शिल्प, संस्कृति, व्यापार और परंपराओं का संगम देखने को मिलेगा। 16 से 27 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,000 से ज्यादा कलाकार और कारीगर हिस्सा लेंगे। दूसरी ब्रेकिंग, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सुबह 9 बजे तक 13.96% वोटिंग हुई। मतदान के लिए मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सीएम मानिक साहा ने अगरतला में वोट डाला, कहा बीजेपी यहां जरूर सरकार बनाएगी। पीएम मोदी ने की है रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील। त्रिपुरा में आज 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तीसरी ब्रेकिंग, झारखंड के पलामू से जहां शिवरात्रि के तोरण द्वार को लेकर दो गुटों में हिंसा को लेकर तनाव बना हुआ है। बवाल के बाद पलामू में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तनाव को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पत्थरबाजी और आगजनी में कई पुलिसकर्मी समेत दर्जनों लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। चौथी ब्रेकिंग, पलामू हिंसा पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया, कहा दंगाई जीत गए और सरकार शांति रखने में चूक गई। ओवैसी ने कहा इस बार से पहले कभी भी पांकी में जामा मस्जिद के सामने शिवरात्रि का गेट नहीं लगाया गया था। आपको बता दें पलामू में तोरण द्वार को बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। पांचवी ब्रेकिंग, बीबीसी के ऑफिस में तीसरे दिन भी आईटी का सर्वे जारी है। पिछले 10 सालों के वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है आईटी की टीम। सर्वे के दौरान कुछ कंप्यूटर्स और फोन्स के क्लोन बनाए गए हैं जिनमें मौजूद विदेशी फंड और ट्रांसफर की तफ्तीश की जा रही है। आईटी के कर्मचारी शिफ्ट में काम कर रहे हैं और 2 दिनों से सर्वे चल रहा है। छठी ब्रेकिंग, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम मीटिंग। सुक्खू सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है। दोपहर 12 बजे सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सातवीं ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री आज राजस्थान में राष्ट्रीय जल जन अभियान का शुभारंभ करेंगे। आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर और प्रमुख नागरिक उपस्थित रहेंगे। नौवीं ब्रेकिंग, मुरादाबाद में नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस कारोबारी श्वेताभ तिवारी की गोली मारकर हत्या। दफ्तर के पास ही अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी और फरार हो गए। परिवार ने श्वेताभ तिवारी के किसी से निजी रंजिश होने से इनकार किया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस का दावा है आरोपी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और 11वीं ब्रेकिंग, यूपी के सुल्तानपुर से जहां तड़के 2 मालगाड़ियों में आमने सामने से टक्कर हुई। मालगाड़ी के 8 डिब्बे पलट गए। दोनों ट्रेनों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हैं। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से चंद दूरी पर सुल्तानपुर बनारस रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ। दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी। हादसे के पीछे रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं।